गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ में अपन ये पढ़ रहे हैं चैप्टर फाइव। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने आपको सेंड किया है, तो उसने आपको 5.1 कंप्लीट करवा दी है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है? देखो, मैंने बताया था आपको कि ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स यहां पर बेस है और ये पावर है, ये बेस है और ये पावर है, बेस एंड पावर है। अब नाउ, यदि दो समान बेस हो मल्टीप्लाई में हो, ए की पावर एक्स ए की पावर वाई, तो ये मिलकर हो रहे थे एक्स प्लस वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई, यानी ए तो बेस तो वही रहेगा, पावर अपन जो है वो जुड़ जाएंगे, मतलब ऐड हो जाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है ए की पावर एक्स ए की पावर वाई, तो यदि एक्स ग्रेटर देन वाई है तो आपके पास रिजल्ट कैसा आएगा, ए की पावर एक्स माइनस वाई, और यदि y ग्रेटर देन x है तो रिजल्ट आएगा 1/ax की पावर y माइनस x, y माइनस x, और ये आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इसकी, a की पावर x y, a की पावर x के ऊपर y हो तो a की पावर x गुना y हो जाता है, a की पावर x y हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है ये। अब आगे देखिए फोर्थ, फोर्थ है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स, तो अपन इसको लिखेंगे ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, और ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ए की पावर एक्स गुणा बी की पावर एक्स, तो ए बी की पावर एक्स हो जाती है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है ए की पावर जीरो बराबर वन होती है, ए की पावर जीरो बराबर वन होती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 10 की पावर जीरो है जैसे तो वो एक है, 123 की पावर जीरो है तो एक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अब आपके पास में एक्सरसाइज आ जाती है 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 4 × 5 की पावर 6। तो फ्रेंड्स, यहां पर हो जाएगा 5 की पावर 10 हो जाएगी, क्योंकि 4 + 6 = 10 होता है, 5 की पावर 4 + 10 = 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 की पावर 10 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास में है 6 सवाल इसका, फर्स्ट कि b की पावर 5 × b की पावर 7 × b की पावर 9। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने भी मल्टीपल्स हो और यदि समान बेस हो तो पावर जुड़ जाएगी, तो 5 + 7 + 9, 5 × 7 = 12, तो बी की पावर 12 × 12 = 21, 21 हो गया, बी की पावर 21 हो गया, आंसर 21 हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करना है, 6 की पावर 7 / 6 की पावर 1, 3 है, तो 6 की पावर 7 और डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3, तो यहाँ पर देखो 7 बड़ा है, अपने x बड़ा पढ़ा था तो अपने पढ़ा था 6 की पावर 7 − 3, यानी 6 की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास में थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, वो है 13 की पावर 4 / 13 की पावर 7,
तो बच्चों आप देखो सात बड़ा है तो यहाँ पर देखो पावर में नीचे आ जाएगा सात माइनस चार, तो ये हो जाएगा एक बटा तेरह की पावर तीन हो जाएगी, यहाँ आंसर हो जाएगा एक बटा तेरह की पावर तीन। थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन है इसका ये है दो की पावर चार और तीन, फर्स्ट क्वेश्चन तीन का, तो दो की पावर चार बना तीन यानी दो की पावर बारह हो गया यहां पर, देखिए कितना इजी है, सो इजी, यदि आप इसको समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी ढंग से इसका फॉर्मूले भी आपको याद है तो बहुत ही इजी तरीके से ये याद गई। अब जैसे देखो चौदह की पावर तीसरा इसका सवाल है एक्स की पावर पांच थ्री, तो एक्स की पावर पंद्रह हो जाएगा भाई, फाइव थ्री का फिफ्टीन होता है, फिफ्टीन आंसर आ, तो ये आसानी से हो जाएगा। और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है देखिए राइट ऑफ फॉलोइंग इन सिंगल एक्सपोनेंट, सिंगल एक्सपोनेंट देखो यहां पर है तीन की पावर सात चार की पावर सात, देखो बच्चों यहां पर पता है तुमने कि ये ए ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, तो अपन ने बी की पावर एक्स, तो यहां पर अपन ने ए बी की पावर एक्स कर दिया था इसको मल्टीप्लाई करके, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, तो इस फॉर्मूले की मदद से ये क्या हो जाएगा देखो तीन गुणा चार की पावर सात यानी बारह की पावर सात हो जाएगा, बारह की पावर सात हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, दस नौ क्वेश्चन है इसमें, मैं आपको चार कराऊंगा, देखो आठ की पावर ग्यारह दस की पावर ग्यारह ये सेकंड क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स अस्सी की पावर ग्यारह हो जाएगी, ये इजी हो जाएगा कि बहुत आसानी से हो जाएगा कवर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास में है 6 क्वेश्चन है इसका, 18 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 की पावर 5 4, देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 18 की पावर 4 हो गई और 18 की पावर 5 है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आपको बताया ये 5 बड़ा है 4 ये है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 18 की पावर 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो 18 आंसर आ जाएंगे, 18 आंसर आ जाएंगे 6 के। देखो यहां से अपन यहां पे चले तो यहां पर इसका आंसर है। अब इसका लास्ट सवाल देखिए, चार हो गए ना तीन हो गए, अब चौथा देखिए मतलब नवा सवाल देखिए, 11 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3 बार 5, तो भैया देखो यहां पर हो जाएगा, पहले तो आप सॉल्व करेंगे इसको, देखो 11 की पावर 6 मल्टीप्लाई 11 की पावर 15, अपन ने जाना है कि अपन ने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा है a की पावर x ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर y तो a की पावर x y हो जाता है, और 11 की पावर फिर जुड़ जाएगी फर्स्ट नियम से 21 हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपने कंप्लीट कर लिया है, अब फिफ्थ एक्सरसाइज देखिए, फिफ्थ सवाल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है
यहां पर कह रहा है कि x की पावर, यहां पर कह रहा है सिंपलीफाई तो होगा ही, x की पावर 2 गुणा x की पावर 4 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में भाग x की पावर 2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें पहले बोर्ड मास अपन देखेंगे, बोर्ड मास देखिए मल्टीप्लाई पहले करेंगे, उसके बाद में अपन डिवाइड पहले करेंगे, डिवाइड पहले आएगा। तो पहले आप देखो यहां पर कैसे करना है, 7 की पावर 6 हो जाएगी ये और ये हो जाएगी 7 4, समझ गए ना, 2 और 4 6 हो गई 7 की पावर और ये 7 की पावर 4 हो गई। तो 6 बड़ा है तो 7 की पावर 3 आंसर है, ये देखिए सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई करना था। इसी तरह से इसका एक सवाल हो रहा है, थर्ड सवाल है इसका 13 की पावर 5 डिवाइडेड 13 की पावर 2 डिवाइडेड 13 की पावर 2। तो फर्स्ट देखो यहां पर पहले इसका करेंगे अपन, इसका अपन करेंगे, देखो क्वोटेंट आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें पढ़ाएंगे इसके क्वोटेंट के नियम में, क्योंकि ये साचर्य मतलब एसोसिएट प्रॉपर्टी है, एसोसिएट प्रॉपर्टी में अपन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 5 बढ़ाया भाई 13 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट के बाद डिवाइडेड 13 की पावर 2 रहेगा, तो यहाँ पे 13 की पावर 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 13 की पावर 2 हो जाएगी और ये दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी, 13 की पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा आंसर। तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 2 है भाई, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। थैंक यू।